तो डेटा वेयरहाउस क्या होता है, आपको यहां पे ध्यान रखना है कि किसी भी आप कंपनी को या गवर्नमेंट की एजेंसी को आप देखें या आप कोई भी बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर को भी अगर आप देखें, तो ये सारे के सारे सेक्टर जो क्या करते हैं, ये सारे सेक्टर ध्यान रखिएगा मल्टीपल सोर्स से क्या करते हैं, डेटा को एक जगह सेव करते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमारे नगर निगम का जो जन्म और मृत्यु का जो एक ब्रांच डिवीजन चलता है, तो नगर निगम जब से बना है तब से क्या कर रहा है, लगातार एक बहुत बड़ा डेटाबेस मेंटेन कर रहा है। जितने लोग पैदा हो रहे हैं उनका भी डेटा मेंटेन कर रहा है नगर निगम, और जो लोग मर रहे हैं उनका भी डेटा क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो ये डेटा कितने अरबों में पहुंच चुका होगा, क्योंकि जबलपुर में कितने लोग आके चले गए। ठीक है, तो जबलपुर नगर निगम के पास जो डेटा है वो क्या है, वो है आपका डेटा वेयर हाउस। इस डेटा वेयर हाउस में लगातार क्या हो रहा है, रोज डेटा छोड़ता जा रहा है, रोज ऐड हो रहा है, रोज लोग पैदा हो रहे हैं, ये बॉर्न हो रहे हैं जबलपुर नगर निगम के डेटाबेस में जोड़ रहा है, लोग रोज मर रहे हैं वो भी क्या हो रहा है जबलपुर नगर निगम के डेटाबेस में ऐड होता जा रहा है, और ये कई सालों से होता जा रहा है और कई सालों तक चलता ही जाएगा। अब ये आपको ध्यान रखना है कि डेटा वेयर हाउस बनाने का मेन कारण क्या होता है, डेटाबेस वेयर हाउस बनाने का मेन कारण एक ऐसे डेटा को बनाना है जो कई वर्षों का डेटा अपने साथ रख के चले, और जब हमें जरूरत पड़े तो डेटा उससे क्या कर सके, ले सके। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 1970 में कितने लोग मारे गए, अचानक सरकार ने पूछा तो नगर निगम बता देगी 1970s का डेटा वेयर हाउस से रिकॉर्ड निकाल के बता देगी कि सर इतने लोग मारे गए, हाँ जनदर मृत्यु दर कितनी थी, अगर ये पता करना कि किस ईयर में जनदर कितनी जा रही है, किस ईयर में जनदर कितनी जा रही है, तो वो भी किससे पता चलेगा, डेटा वेयर हाउस से। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डेटा वेयर हाउस यानी एक ऐसा स्टोरेज जिसमें बहुत सालों का डेटा स्टोर होता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि दो प्रॉपर्टी आप हमेशा ध्यान रखिएगा डेटा वेयर हाउस में। डेटा वेयर हाउस में पहली प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि डेटा हमेशा हिस्टोरिकल रहता है, ज्यादा डेटा क्या कब 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 का है, पुराना डेटा। ठीक है, अगर जबलपुर नगर निगम के डेटा को आप देखें तो आज का डेटा तो 10% रहेगा, 90% डेटा कब का है, हिस्टोरिकली है, 1940 1950 1960 पता नहीं कब का डेटा आपको मिलेगा वहां पे। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो डिसीजंस जो लिए जाते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में ध्यान रखना डेटा वेयर हाउस का यूज है। अगर कोई निर्णय लेगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कैसे निर्णय लेगी, डेटा वेयर हाउस से। जैसे नए सीएम साहब हमारे जब एमपी में आएंगे, तो उनको अगर ये देखना है कि साक्षरता दर जबलपुर की कितनी चल रही है, तो कैसे करेंगे, डेटा वेयर हाउस से डेटा का ही वो, हाँ डेटा वेयर हाउस में जाके डेटा पूरा वो उठवाएंगे, वहां पे एम्प्लॉय कहेंगे कि भाई आप क्या करो डेटा निकालो, और डेटा निकाल के मुझे बताओ कि साक्षरता दर कितनी है, या लड़कों की साक्षरता दर कितनी है और लड़कियों की साक्षरता दर कितनी रही है जब से जबलपुर जिला बना हुआ है, तब से लेकर आज तक का। ठीक है, और आपको ध्यान रखना कि डेटा वेयर हाउस में ध्यान रखिएगा कोई भी डेटा जो है उसको मिस यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। आपके डेटा वेयर हाउस को हमेशा किसके पास रखा जाता है, जो आपके संस्था में सबसे ताकतवर बंदा होता है उसके पास डेटा रखा जाता है। उदाहरण के तौर पे हमारा जो ये डेटाबेस जो है जबलपुर नगर निगम का, ये सारा डेटाबेस ध्यान रखिएगा अंततः जाके हमारे कलेक्टर के पास जाता है, और कलेक्टर के पास से ये चीज किसके पास जाएगा, फिर राज्यपाल के पास जाके सेव हो जाता है। राज्यपाल जो रहता है वो पूरे डेटा को एक सेव करने की भी अथॉरिटी रहता है, वो जो डेटा को अपने पास क्या कर लेता है, सेव भी करता है, तो वो कभी किसी नेता या पार्टी को नहीं देता, वो अपने पास रखा रहता है, जब जरूरत है तो डेटा आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि डेटा वेयर हाउस का मिस यूटिलाइजेशन भी नहीं होता। और चौथी चीज आपको ध्यान रखना कि डेटा वेयर हाउस कंटिन्यू बनता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हुआ, ये हमेशा क्या होगा, बनता ही रहेगा। और पांचवी बात आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बिग डेटा भी कहते हैं। डेटा वेयर हाउस का मतलब क्या, बिग डेटा। बिग डेटा मतलब ये इतने बड़े साइज का डेटा जिसमें 13-22 से भी ज्यादा बड़े डेटा आज हमारे पास है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ डेटा वेयर हाउस के आपको कुछ पॉइंट बताए, इन पॉइंट्स को आप लोग क्या करेंगे, लिख लीजिएगा।